हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स फॉर एमपीपीएससी 2017 अपने इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो कि जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 के बीच का है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आने वाले मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए, जो कि 10 फरवरी को कंडक्ट होने वाला है। सो आप मेरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एम शिक्षा मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया स्पेशली फॉर द टीचर्स। ये जो है वो विशेष रूप से टीचरों को ध्यान में रखकर बनाया गया ऐप है। और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि मध्य प्रदेश के जो टीचर हैं वो बहुत ही सुगमता पूर्वक या आसानी पूर्वक इससे अपनी सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या जीपीएफ स्टेटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है वो सितंबर 2015 में लॉन्च हुआ था। ये जो ऐप है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सितंबर 2015 में इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट है आपका रेलवे से संबंधित। रेलवे ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अपना पहला लग्जरी कोच जो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में है से प्राप्त किया। और मैं आपको इसकी कुछ हाइलाइट्स बताता हूँ। यहाँ ये जो है वो डिज़ाइन किया गया है भोपाल कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप द्वारा, जो कि निषादपुरा में है। ठीक है, अगर हम इसके ट्रायल की बात करें तो जो इसका ट्रायल हुआ वो जो है वो भोपाल से गंजबासौदा के बीच में हुआ। आप देख रहे हैं कि मैं इसे इंडिकेट भी कर रहा हूँ वो कहाँ हुआ, भोपाल से गंजबासौदा के बीच। इसके इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोच है इनका पहले भी इससे पहले भी एक बार इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है, और वो हुआ है जबलपुर हजरत निज़ामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। नेक्स्ट है मेरा जो है वो है कि देश का पहला वाटर टूरिज्म, मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा हूँ, देश का पहला वाटर टूरिज्म जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू होगा। ठीक है, जिसका मकसद है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहला वाटर टूरिज्म है वो मध्य प्रदेश में शुरू करने की बात की गई है। और इसका जो एम है वो है अट्रैक्टिंग मोर टूरिस्ट टू द स्टेट, अधिक से अधिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश टू इम्पोज बैन ऑन पॉलीथीन फ्रॉम जनवरी 2017। मध्य प्रदेश के सीएम जो कि शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने जनवरी 2017 से, ठीक है आप देख सकते हैं, जनवरी 2017 से एंटायर स्टेट में पॉलीथीन को प्रतिबंधित या बैन करने का आदेश दिया है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो घोषणा मध्य प्रदेश के सीएम ने की है ये स्ट्रिक्टली जो है वो कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये लागू किया जाएगा, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और पवित्र स्थानों यानी हॉली सिटीज प्लेसेस पे। मैं कुछ का नाम ले दूं, जैसे उज्जैन, आप देख रहे हैं, अमरकंटक, खजुराहो, पंचमढ़ी, माहेश्वर, ओकारेश्वर और ओरछा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ली कौन यून, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ली कौन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान उन्हें सिंगापुर में जनवरी 13, 2016 को प्रदान किया गया। किस
किस चीज़ के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन, उनका जो कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल हार्मोनी में। नेक्स्ट है आपका जो है वो है डीबीटी स्कीम फॉर केरोसिन फ्रॉम अप्रैल 1, 2016। डीबीटी स्कीम इन केरोसिन 1 अप्रैल 2016 जो 8 स्टेट्स में लागू की गई, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं उनके नाम, ठीक है, मैं इंडिकेट भी कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एंड राजस्थान। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट की पॉइंट ये है कि इन 8 स्टेट्स में मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जिसने ये स्कीम को, इस स्कीम को अपनाया है। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ, सिंगापुर के साथ, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सिंगापुर के साथ, और वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उनकी संख्या 4 है, जिसमें 4 कोर सेक्टर्स को या 4 सेक्टर्स को टारगेट किया गया है। मैं उनके नाम ले लूँ और इंडिकेट भी कर रहा हूँ, अर्बन प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी एंड फूड प्रोसेसिंग। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अर्बन प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी एंड फूड प्रोसेसिंग। इसके अतिरिक्त MOU में 1000 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्लांट जो कि पश्चिमी भाग में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सेटअप करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के पनवा गांव में, आप देख रहे हैं मैं इंडिकेट भी कर रहा हूं कि फर्स्ट मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के पनवा गांव में जो है उसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। और ये जो पनवा गांव है वो है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, मैं यहाँ पे देखिए इंडिकेट भी कर रहा हूँ, ये जो है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये जो उद्घाटन हुआ वो 12 फरवरी 2016 को हुआ। नेक्स्ट है आपका रॉयल स्टेट एंड हार्ट ऑफ इंडिया कंपोज SPV फॉर स्मार्ट सिटीज। SPV को मध्य प्रदेश के 3 सिटीज, मैं यहाँ पे आपको इस इतना बड़ा जो मटेरियल है इसको डिक्टेट नहीं कर, मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, इसकी समरी बता रहा हूँ कि SPV जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल मध्य प्रदेश के 3 सिटीज, मैं इंडिकेट भी कर रहा हूँ, आप यहाँ देख भी रहे हैं कि ये जो है मध्य प्रदेश के 3 सिटीज जबलपुर, इंदौर और भोपाल में सेटअप करने की बात की गई है, लगाने की बात की गई है। और प्रत्येक SPV के लिए 12 मेंबर्स होंगे, यानी जबलपुर के लिए 12, इंदौर के लिए 12 और भोपाल के लिए 12। इसके अतिरिक्त ये SPV जो है वो राजस्थान के जयपुर और उदयपुर में भी सेटअप करने की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका एक बात और मैं SPV के बारे में बताना चाहूँगा कि SPV का जो यूज़ है, आप यहाँ देख रहे हैं मैं इंडिकेट भी कर रहा हूँ, SPV का जो यूज़ है वो स्मार्ट सिटी मिशन में किया जाता है, ठीक है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि समय से इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि क्योंकि हम समय से इफेक्टिव तरीके से किसी प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। और इसमें जो है 50-50 की इक्वलिटी बाई स्टेट एंड द रिस्पेक्टिव अर्बन लोकल बॉडीज़, जिस भी लोकल बॉडीज़ पर ये अप्लाई होगी वो उसके खर्च को वहन करेगा और स्टेट गवर्नमेंट उसके खर्च को वहन करेगी, और ये जो भागीदारी होगी वो 50-50 की होगी। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का जो कटनी है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज बन गया है, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 14 किलोमीटर है।
मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है, इसकी जो लंबाई है वो 14 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका कि 42वां खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो खजुराहो में शुरू हुआ, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ये जो उत्सव है खजुराहो मंदिर के फ्रेमवर्क के उपलक्ष्य में इसे हम सेलिब्रेट करते हैं, और जिसको कि चंदेल शासकों द्वारा 950 से, आप देख सकते हैं चंदेल शासकों द्वारा 950 से 1050 ईडी के बीच में बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश बजट 2016-17, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं कि ये जो बजट है वो वित्त मिनिस्टर जो है फाइनेंस मिनिस्टर जयंत मलैया के द्वारा प्रपोज्ड किया गया, और इस बजट का जो एस्टिमेटेड अमाउंट था वो 1.58 लाख करोड़ था। सो आप ये छोटे मोटे आंकड़े आप कहीं से भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं इसकी मेजर्स की पॉइंट मेजर स्कीम को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, डिस्कस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला स्कीम है इंटरकास्ट मैरिज प्रमोशन स्कीम। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो सरकार है, ठीक है, सरकार है वो आपको 50,000 रुपये से बढ़कर अब 2 लाख रुपये तक की इंसेंटिव देगी, ठीक है। एंड इस स्कीम का जो एम है, मकसद है, वो एलिमिनेशन ऑफ अनटचबिलिटी है, ठीक है, अनटचबिलिटी को एलिमिनेट करना है, छुआछूत को, भेदभाव को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट प्लान है आपका ई शक्ति कैंपेन, आप यहाँ देख सकते हैं ई शक्ति कैंपेन। इस कैंपेन का जो मकसद है वो 3 लाख जो ग्रामीण औरतें हैं उनको इंटरनेट की एक बेसिक शिक्षा प्रोवाइड करना है, एक बेसिक समझ उनके अंदर डेवलप करना है। नेक्स्ट है आपका बजट, द बजट ऑल्सो प्रपोज एन इंक्रीज इन वैट ऑन प्लास्टिक प्रोडक्ट। इस बजट में जो प्लास्टिक प्रोजेक्ट है उनके ऊपर जो है वैट को इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका उषा किरण केंद्र, ये योजना, इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, या इस योजना की घोषणा जो वित्त मंत्री जयंत मलैया हैं उनके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ लीगल एंड इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करने के लिए की गई है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो भी विक्टिम्स हैं। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना, इसके लिए गवर्नमेंट ने 903 करोड़ रुपए अलॉट किए, और इसके अंतर्गत वो 21 लाख गर्ल को, लड़कियों को कवर करने का उनका लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना है 2007 में स्टार्ट की गई थी, और इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2006 से जन्मित वो सभी लड़कियां इसके अंतर्गत आते हैं, जो बच्चियां हैं 1 जनवरी 2006 से जन्मी जो बच्चियां हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य का पहला इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो शुरू करने वाला राज्य का वो राज्य बन गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य जो है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाला राज्य बन गया है, जो कि बतियागढ़ दमोह में है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बतियागढ़ दमोह है। और इस जो ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पर नए रिक्रूट जो कांस्टेबल हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि सभी प्रकार के छोटे बड़े हथियार चलाना, साथ ही 5 किलोमीटर तक की क्षमता वाले टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग, उसके साथ साथ स्टेट गन्स। इसके अलावा ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ऑलरेडी ऑपरेशन में है, कहाँ, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश जो है वो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने वाला, ठीक है, उसने ज्वाइन करने की बात की है। हाल ही में जो है मध्य प्रदेश ने
ये अनाउंस किया है कि वो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में शामिल होगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ एक कमोडिटी को, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रारंभ में वो सिर्फ एक कमोडिटी को जिसका नाम है चना, ठीक है, वो ई ऑक्शन में के प्लेटफॉर्म पर वो शो करेगा या इंसर्ट करेगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंडिया इंडो वीबी इंक्ड फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। एमपी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से एक क्रेडिट करार किया है, आप याद है वर्ल्ड बैंक से, जो कि आपको पता है इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है। तो एमपी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमपी गवर्नमेंट ने जो मिलकर एक जो है वो क्रेडिट करार किया है जिसकी वॉर्थ है 300 मिलियन डॉलर, ठीक है। और ये जो करार है वो एमपी हायर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। आप देख सकते हैं मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो करार है 300 मिलियन डॉलर का, ये एमपी हायर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर एटीएम। 5 हेल्थ केयर एटीएम की शुरुआत 4 राज्यों में हुई, ठीक है। 5 हेल्थ केयर एटीएम की जो शुरुआत है वो 5 राज्यों में हुई, जो कि हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पे आंकड़े गलत दे गया, अब फिर से सुने कि 5 हेल्थ केयर एटीएम जो कि 4 स्टेटों में काम कर रहे हैं, बात तो हुई 5 की, लेकिन वो अभी 4 स्टेटों में ही अप्लाइड हैं, जिनमें से पहला मध्य प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो एटीएम है, इस एटीएम को मल्टीपर्पस पब्लिक, आप देख सकते हैं मल्टीपर्पस पब्लिक हेल्थ वर्कर और ऑक्सिलरी नर्स मिड लाइफ, ये लोग ऑपरेट, इनके द्वारा ये एटीएम हैंडल किए जाएंगे। ये जस्ट लाइक अ कॉल सेंटर, जहाँ पर आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए कॉल करते हो और आपको वहाँ से सुझाव मिल जाता है, वो इसी तरीके से ये हेल्थ केयर एटीएम्स काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया वर्ल्ड बैंक ने जो है वो अप्रूव किया है 35 मिलियन US डॉलर के क्रेडिट साख का, ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए। और ये जो है ये इसका जो एम है वो इम्प्रूव करना है सेलेक्टेड पब्लिक सर्विसेज जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं राज्य में उनके लिए। आप देख सकते हैं कि ये उनके लिए है जो राज्य में डिसएडवांटेज हैं, बिलोंग कर रहे हैं, उनकी पब्लिक सर्विस को उनकी इम्प्रूव करना है, एक्सेस टू सेलेक्टेड पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट है आपका सिंहस्थ कुंभ मेला, जो कि उज्जैन में शुरू होने वाला है या जो उज्जैन में हो चुका है। उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है, एक शहर है, ठीक है, वहां पर जो है ये मेला, सिंबस कुंभ मेला आयोजित होने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य कुंभ मेले जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो कुंभ मेला होता है वो 6 वर्ष में एक बार लगता है, और जो महाकुंभ होता है वो 144 साल में एक बार, 144 वर्षों में वो एक बार आता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थान जहाँ पर ये कुंभ मेला लगते हैं वो है हरिद्वार, हरिद्वार गंगा के किनारे, फिर प्रयाग गंगा और यमुना के संगम पे, फिर त्रियंबक जो कि नासिक में है गोदावरी के किनारे, और चौथा आपको पता है उज्जैन छपरा। नेक्स्ट है आपका एलईडी बल्ब उजाला योजना का जो उद्घाटन हुआ वो भोपाल में हुआ, और ये जो है यूनियन पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा किया गया, ठीक है।
और इस स्कीम के तहत जो है 3 करोड़ एलईडी बल्ब्स जो है वो बांटी गई, और प्रति जो एलईडी बल्ब का रेट था वो 85 रुपये था, ठीक है, और जो इनकी वॉट थी 9 वॉट की थी। इस योजना को लॉन्च करने का मध्य प्रदेश सरकार का सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि वो पावर कंजप्शन को अधिक से अधिक मात्रा में कम कर सके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, ये जो इसका जो खर्चा आता है वो है ₹150 से ₹180, यानी प्रति वर्ष आप 150 से 180 रुपये मात्र ही बिजली के लिए, बिजली उपभोग के लिए आप पे करोगे। नेक्स्ट है आपका कि वाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन मुकुंदपुर सतना में किया गया। आप देख सकते हैं, बस आप इतना याद रखें कि वाइट टाइगर सफारी जो है वो मुकुंदपुर के सतना में इसका उद्घाटन किया गया। और जो टाइगर का साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा टिग्रिस है। नेक्स्ट है आपका कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन बाइकर वीनू पलीवल जो है वो, उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो चुकी है। ये जो है इंडिया की टॉप वुमेन बाइकर थी और जिनकी मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो गई। नेक्स्ट है आपका कि भेल फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट को मध्य प्रदेश में स्थापित करने की बात की है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थापित करने की बात की है भेल ने, 600 मेगावाट पावर प्लांट की, ठीक है। और ये जो है अवंता ग्रुप झाबुआ पावर प्लांट लिमिटेड, ठीक है, इसके साथ जो है, जो कि है सियोनी डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के, यहाँ पर ये 600 मेगावाट की पावर प्रोजेक्ट की बात की गई है। फिर नेक्स्ट है कि एमपी टूरिज्म ने बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ अवार्ड जीता है। आप देख सकते हैं एमपी टूरिज्म ने जो है बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ अवार्ड को जीता है। अभी करंट में जो है मध्य प्रदेश में 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 9 नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट है आपका टाटा ट्रस्ट एमपी गवर्नमेंट जॉइंस हैंड्स टू वर्क इन हेल्थ केयर। टाटा ट्रस्ट और मध्य प्रदेश सरकार ने एक साथ मिलकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो है वो काम करने का निर्णय लिया है, और बेसिकली ये उन सेक्टर्स को टारगेट करेगी हेल्थ केयर के जहां पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और कैंसर। नेक्स्ट है आपका गिनीज बुक के बारे में है। नेक्स्ट अपडेट, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया द लार्जेस्ट कर्मा नाच डांस बाय 309 पीपल इन एमपी। जो सबसे बड़ा कर्मा नाच डांस है जो कि 3049 लोगों द्वारा मध्य प्रदेश में परफॉर्म किया गया, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया है। इसमें जो पार्टिसिपेंट करने वाले लोग हैं उन्होंने 61 लार्ज सर्किल बनाए और ऑफ 50 पीपल, ठीक है, और इन्होंने परफॉर्म किया ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस। नेक्स्ट है आपका कि एमपी जो है वो बन गया है प्रथम स्टेट, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाने वाला जो है ये प्रथम स्टेट बन गया है। ये इसने जो ये शुरुआत की है, ये शुरुआत भूटान के तर्ज पर की है, भूटान जो कि हमारी बगल की कंट्री है, पड़ोस की कंट्री है, उसके बेस पर यहाँ अपने यहाँ इसे अप्लाई किया है। और इसका जो हेड है, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो सीएम चौहान जी हैं। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश और पांडुचेरी ने ज्वाइन किया उदय स्कीम। ये क्यों किया, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि करंट में जो पावर कॉरपोरेशंस हैं या जो बिजली कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं, सो एक साथ मिलकर अगर हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और एक साथ मिलके
अगर ये किसी स्कीम पर काम करेंगे तो ये बहुत ही बेनिफिट होगा एक दूसरे के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, उदय स्कीम दैट विल सेव द स्टेट 17,515 करोड़, इतने पैसे वो सेव करेंगे अगर वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि फॉर्मर एमपी गवर्नर मोहम्मद शफी कुरैशी की मृत्यु हो गई। ये जो थे, इनकी मृत्यु जो है वो 27 ईयर्स ये ओल्ड थे, ठीक है, 87 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने डिप्टी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे का भी पद सुशोभित किया है, और लोकसभा जो इस्लामाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे लोकसभा में 2 बार वो चुने गए हैं। नेक्स्ट है आपका, 2-डे कन्वेंशन ऑन टूरिज्म वॉज फ्लैग्ड ऑफ इन खजुराहो मध्य प्रदेश। जो टूरिज्म पे कन्वेंशन है वो 2 दिन कन्वेंशन वो खजुराहो में आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है आपका कि एचडीएफसी और एर्गो, ये 2 प्राइवेट सेक्टर्स की जो है ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो कि आसाम, एमपी और उत्तराखंड में लागू किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गुजरात के गवर्नर ओपी कोहली ने जो एडिशनल चार्ज लिया, जो कि 26वें गवर्नर है मध्य प्रदेश के, 8 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट है आपका, 2 बार लोकसभा एमपी रहे मध्य प्रदेश के आसिफ बेग की मृत्यु हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको मेरी वॉइस समझने में या किसी कंटेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन पे कमेंट करें। और ये वीडियो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें, ये बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। नेक्स्ट है आपका, इंडियाज़ फर्स्ट डायमंड मिनरल ब्लॉक ऑक्शन इन एमपी। भारत का पहला डायमंड मिनरल ब्लॉक जो है उसकी नीलामी मध्य प्रदेश में की गई, और ये कहाँ की गई, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। और इस डायमंड जो ब्लॉक है उसका नाम है हाथूपुर डायमंड मिनरल ब्लॉक, जो कि पन्ना में है। और इस जो ब्लॉक है, जो ये ब्लॉक नीलाम की गई है, इसकी जो वॉर्थ है वो लगभग 106 करोड़ रुपए लगाई जा रही है, ठीक है। और इसे बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स द्वारा जो है बिड लगाया गया था, और बिड में इसने बिड में उसे जीता। नेक्स्ट है आपका, आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप ने जो है वो 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात की है एमपी में, और वो ये इन्वेस्ट करेगा रिटेल, टेलीकॉम और सीमेंट सेक्टर में। नेक्स्ट है आपका, रूपा गांगुली और गणेश ने जो है ये शपथ लिया राज्यसभा एमपी के रूप में। रूपा गांगुली जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं, और गणेश जो कि तमिलनाडु से हैं, अब ये राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका, एमपी गवर्नमेंट ने जो है वो लालिमा अभियान जो है वो लॉन्च किया स्टेट को फ्री करने के लिए, एनीमिया से, एनीमिया से फ्री करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लालिमा अभियान जो है वो लॉन्च किया। नेक्स्ट है आपका, प्रोफेसर राज बिसारिया जो है इनको जो है वो गवर्नमेंट ने कालिदास सम्मान से, ठीक है, इनको कालिदास सम्मान से ऑनर किया है, जिनका नाम है राज बिसारिया। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश
के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 5 मंथ लॉन्ग नर्मदा सेवा यात्रा जो कि अमरकंटक से है वहाँ से प्रारंभ की है। और इस यात्रा के जो की पॉइंट हैं वो ये हैं कि ये जो है 5 मंथ लॉन्ग यात्रा, मैं यहाँ इंडिकेट भी कर रहा हूँ, ये जो है वो 11 मई 2017 तक चलेगी और स्टार्ट 11 दिसंबर 2016 से ये स्टार्ट होगी और 11 मई 2017 तक ये चलेगी। और इसका जो एम है वो है नर्मदा को, नर्मदा रिवर जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है, उसको पॉल्यूशन फ्री बनाना। इसके अतिरिक्त नर्मदा सेवा यात्रा जो है वो 1900 किलोमीटर 16 डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करेगा। नेक्स्ट है आपका NVWL, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसने जो है अप्रूवल दे दिया है केन और बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोजेक्ट को जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को सिंचाई, पेयजल तथा इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश ने प्लान किया है 1100 क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए। इस सिटीज को बना वो ये जो प्लान है वो अगले 6 ईयर्स में कंप्लीट करने की बात की गई है। और इस प्लान का जो मकसद है वो फार्मर को क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिस्क उठाने पड़ते हैं और जो प्रोडक्टिविटी उसकी प्रोडक्टिविटी डैमेज होती है उसको सपोर्ट करने के लिए ये प्लान बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है उसने उद्घाटन किया फर्स्ट क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का। अगला जो है नगर उदय अभियान जो है वो लॉन्च हुआ मध्य प्रदेश में, ठीक है, और ये जो लॉन्च हुआ वो है अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे, और जो कि है 25 दिसंबर 2016, सॉरी 25 दिसंबर, क्योंकि ईयर तो चेंज होता रहता है। इसका जो एम है वो है टू असिस्ट सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू सिटीजन एंड ब्रिंग देम एज द स्टैंडर्ड लेप, अच्छी से अच्छी सर्विस अपने सिटीजन, अपने नागरिकों को प्रोवाइड करना और उनकी जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना। इसका जो पहला फेज है वो है दिसंबर 25 दिसंबर से 28, दूसरा फेज दो है वो 3 जनवरी से 15 जनवरी, और तीसरा फेज जो है 20 जनवरी से 5 फरवरी है। नेक्स्ट है आपका पोएट और फॉर्मर राज्यसभा एमपी बेकुल उत्कर्षी उत्साही जो है उनका निधन हो गया, वो 88 वर्ष के थे। नेक्स्ट है आपका कि बीजेपी लीडर और फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुंदरलाल पटवा, जिनकी मृत्यु 92 की एज में हो गई। नेक्स्ट है आपका को आर्टिस्ट और नेशनल एम्बलेम दीनानाथ भार्गव जो है उनकी मृत्यु हो गई इंदौर में। ये जो थे इन्होंने पेंटर नंदलाल बोस के ग्रुप में, ठीक है, आप देख सकते हैं नंदलाल बोस के ग्रुप में डिज़ाइन किया था, पेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस को डिज़ाइन किया था। और ये इनका जो जन्म हुआ था 1 नवंबर 1927 मुलताई जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, वहाँ हुआ था। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, यहाँ पर हमारा करेंट सेक्शन ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।